चुनावी मौसम में अगर बयानबाजी ना हो तो समझो सब कुछ बेकार है। ऐसी ही बयानबाजी बीते कल हैदराबाद में भाजपा की नेता नवनीत राणा के 15 सेकंड लगेगा वाले एक बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। राणा के ओबीसी भाइयों पर दिए गए बयान पर AIMIM नेता वारिस पठान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो समझ गई हैं कि वो बुरी तरह से हार रही हैं, इसलिए ये सब बकवास कर रही हैं। दरअसल भाजपा प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने AIMIM प्रमुख को और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई पर जमकर निशाना साधा और इस वीडियो को राणा ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। साथ ही उन्होंने इसमें दोनों ओवैसी बंधुओं को भी टैग किया। इस दौरान नवनीत सिंह राणा ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। भाजपा नेता नवनीत रवि राणा की 15 सेकंड लगेगा वाली टिप्पणी पर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा, नवनीत राणा को समझ आ गया है कि वो इस बार अमरावती से बुरी तरह से हार रही हैं। वो इस झटके इस सदमे को सहन करने में असमर्थ हैं और इसलिए वो ये सब बकवास कर रही हैं। वारिस पठान ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नवनीत राणा को इस मरतबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही हैं और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया। तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह की अनाप शनाप बातें करने लग गई। नहीं, क्या करेंगे आप, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो, क्या करेंगे 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन, क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर, क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर। हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इस बात का संज्ञान ले। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी ओछी हरकत पर उतर आया है, उसे एहसास हो गया है कि इस बार उनके लिए 200-250 सीटें पार करना मुश्किल है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, पीएम मोदी और अमित शाह समाज में नफरत फैला रहे हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ता और उम्मीदवार भी ऐसी ही बात करेंगे। हैदराबाद सीट पर सन 1884 से ही ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है, इसे ओवैसी का गढ़ माना जाता है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार इस सीट से सांसद बने थे। 2004 तक वो सांसद रहे और इसके बाद वो ये सीट असदुद्दीन ओवैसी के पास है।